की देखिए छठ का दिन है आज, आज संजय घाटे हैं। टाइम कितना हो रहा होगा जी? 2:30 बज रहा होगा, अढ़ाई बज रहा होगा। और इस 2:30 बजे में समय ऐसा होता है कि अपने यहाँ इस वक्त होगा कि घाट पर लोग निकल चुके होंगे, घाट पर लोग अभी जा रहे होंगे, निकलने का तैयारी हो रहे होंगे, दौरा वौरा सब सजा रहे होंगे, बच्चे बच्चे कपड़ा पहन रहे होंगे, भौजी लोग सब तैयारी हो रही होगी, है ना? और सभी लोग अपना अपना तैयारी कर रहे होंगे घाट पर जाने का। और सुना सुना सा यहाँ का भी गली लग रहा है, हमें लगा कि मतलब यहाँ माहौल थोड़ा सा गर्म होगा, भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, भीड़ भाड़ होगा, लेकिन यहाँ यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, गली पूरा सुन है। जिस प्रकार से गांव सुन हो जाता है उस प्रकार से गली भी सुन है। और आइए आपको हम देखें, मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ पहले शिव मंदिर पहुँचता हूँ। देखिए मेरे नीचे शिव मंदिर है, महाकाल का मंदिर है। और जब मैं कमरा खोजा था तो मैं आसपास में पहले मंदिर खोजा था कि आसपास में मंदिर है कि नहीं, क्योंकि मुझे मंदिर चाहिए पूजा करने के लिए, मुझे मंदिर चाहिए सुबह में, मैं पूजा करने के बाद ही निकलता हूँ कहीं। उस प्रकार से यहाँ मंदिर देखा तो हमारे रूम से जहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो वहाँ से थोड़ा आगे मंदिर है। और अभी पैदल निकले हैं क्योंकि थोड़ा सा रोड पर निकले हैं। और वैसे आज कई सारे जगहों पर जाना होगा, जाएंगे उसके बाद वीडियो बनाएंगे घाट की, देखते हैं यहाँ पर कैसे छठ घाट लोग करते हैं उसका वीडियो दिखाएंगे। अभी मैं आ गया हूँ मेन रोड पे, थोड़ा देर में मैं मेन रोड पर आ जाऊँगा और उसके बाद चलेंगे घाट पर, जहाँ यहाँ पर घाट होता है उस वहाँ पर देखते हैं कि कैसे यहाँ के लोग पूजा करते हैं, कैसे यहाँ के लोग छठ मनाते हैं, क्या क्या यहाँ तैयारियाँ की जाती है, तो वो आज हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। और फिलहाल अभी चलते हैं और थोड़ा सा काम है, वो काम निपट के आते हैं, उसके बाद 3 या 3:30 में गाड़ी से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी इतना दूर पैदल ही आए हैं। उसके बाद बाइक से निकलेंगे, नहा धोवा के खाना पीना खा के रेडी है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।